नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चर्चा वाले चैनल में। तो हमें अभी नागपुर से यहाँ का जो टमाटर पोहा है वो सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पीछे आप देख सकते हो डॉली भाई है ना, डॉली भाई का एक अनोखा अंदाज है, अनोखा मिजाज है, इनको बस देखिए इनकी स्टाइल ही अलग है। आइए मिलते हैं डॉली भाई से, जानते हैं डॉली भाई के बारे में कुछ। चलो हाँ, यूट्यूब से हो तो आप अच्छा। काफी ज्यादा वायरल हो रहे हो। मेरे को जितने वायरल कर रहे ना ये लोग हैं। अच्छा, नागपुर में क्या फेमस होता है? डॉली की चाय बोलते हैं। लेकिन कैसा लग रहा है आपको, मतलब इतना फेमस हो के? मैं तो बोलता हूँ मेरे को फेमस ही नहीं होने का है। अच्छा, लेकिन हो गए हो, लोगों ने कर दिया आपको। तो इनको बोलो, अच्छा मेरे को मत, ये सब लोग है। अच्छा अंकल, आपने क्या लिए थे? क्या भाई, कैसे लगते हैं डॉली भाई की चाय? अंकल ये देखिए, डॉली भाई के सामने इतनी भीड़ है। तो डॉली भाई कितने साल हो गए आपको? 10 के ऊपर। 10 के ऊपर। हेलो अंकल, खींचो, मजा आया अंकल। वाह, ये बढ़िया स्टाइल है आपका। अंकल हाथ में ले लो पैसे। थैंक यू। ये देखिए डॉली भाई की स्टाइल। ओके, हेलो, डॉली भाई आप बता सकते हो आपका स्टाइल किससे इंस्पायर है? गॉगल और एकदम इतना जबरदस्त स्टाइल। गॉगल बोले तो है सोनू। अच्छा सोनू भाई, अच्छा क्या बात है सोनू भाई, बढ़िया बोले। हाँ तो रजनीकांत, ये तो सही बात है। हाँ सही बात है। डॉली भाई आपसे बस एक बात पूछना है मेरे को। पूछिए। जो डॉली भाई 10 साल में और आज में क्या फर्क है, वो पुराना जो 10 साल पहले वाला डॉली और आज वाला डॉली, इसमें क्या फर्क है? फर्क इतना यह है कि अभी जो है डॉली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अच्छा, पहले का डॉली ऐसा था कि कोई रास्ते से जब भी जाता था है ना तो कोई पहचानता नहीं था। अच्छा, अभी तो सिग्नल पे भी रुको तो डॉली भाई बोलते हैं। ये क्या समय क्या था, सबसे पहले जो शुरुआत किया था वो मेरे बड़े भैया थे। अच्छा जी हाँ, मैं कम से कम काफ़ी समय बाद आया। अच्छा हाँ, फिर मैं आया तो ऐसी यानी क्राउड पकड़ना चालू किया कि लोगों को हंसाना, कॉमेडी करना, मजाकबाजी करना, बस उतना ही करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। डॉली भाई आप कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो? मैं 11 के बाद में आता हूँ। अच्छा, और रात को 8:30 बजे। सातों दिन या किसी दिन छुट्टी रहती है? हाँ, एक दिन संडे के दिन छुट्टी। अच्छा संडे के दिन, बाकी सब दिन डॉली भैया संडे के दिन पतंग उड़ाता हूँ। अच्छा, तो यार एक चाय हमको भी पिला दीजिए, आपकी स्पेशल चाय। तो डॉली भाई यही चाय या और भी स्पेशल चाय रहती है? एक ही चाय। चलो ये एक ही चाय है डॉली भाई की। ये देखिए मेरे पीछे लोगों का काफिला है। तो नागपुर में चना पोहे के बाद कोई सबसे ज़्यादा अगर फेमस हो रहा है तो वो है डॉली भाई। डॉली भाई की चाय पीते, और ये पीछे डॉली भाई की स्टाइल बड़ी अनोखी सी स्टाइल है। डॉली भाई यार आपकी चाय बढ़िया थी, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए। वेलकम ऑलवेज। अच्छा वाह, क्या स्टाइल है। सही बात है। आपने चाय लिए थे, टिकट लिए थे, चाय कितने लिए थे? चाय तो टिकट कितने लिए? 30 रुपए, और फिर 10 निकाल लीजिए। वेरी गुड, अच्छा थैंक यू सो मच। हमारे दोस्त आ रहे हैं डॉली भाई, हमें भी मिल जाएंगे। ये देखिए स्पेशल डॉली भाई की तरफ से। अच्छा दो इलायची हमें, इसलिए दो चाय दो इलायची। अच्छा चलो थैंक यू डॉली भाई, वेलकम। चलो डॉली भाई बाय बाय, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार।